आप सब, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं एक हिंदी का चैप्टर पढ़ने जा रही हूँ जिसका नाम है मोगली आया गांव में। ये रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा लिखी गई द जंगल बुक के एक चैप्टर से लिया गया है। तो चलो अब मैं शुरू करती हूँ पढ़ना। मोगली को अपनी ताकत का अंदाजा जरा भी नहीं था। जब वह जंगल में रहता था तो भालू, शेर, चीते और भेड़िये के मुकाबले वह कमजोर था, और यह बात उसे अच्छे से मालूम भी नहीं थी। यहाँ गांव में लोग कहते थे कि मोगली में सांड जितनी ताकत थी। बेचारे मोगली को इस बात का कोई भी अंदाजा नहीं था कि जात पात क्या होती है। वह नहीं जानता था कि एक जाति का आदमी दूसरे जाति के आदमी से अलग कैसे हो सकता। एक दिन कुम्हार का गधा गड्ढे में गिर पड़ा तो मोगली ने पूंछ पकड़कर उसे बाहर खींच निकाला। गधे पर लगे बर्तन भी गिर गए थे। मोगली ने बर्तन वापस जमाने में कुम्हार की मदद भी की ताकि कुम्हार अपने बर्तन कान्ही वाड़ा के बाजार में बेच सके। लोग के लिए वह यह बड़े ताजुब की बात थी कि मोगली कुम्हार की मदद करे और गधे जैसे जानवर को हाथ लगाए। मोटे पंडित ने मोगली को इस बात के लिए बहुत फटकारा। जब मोगली को लगा कि पंडित कुछ ज्यादा ही डांट रहा है तो उसने पंडित को धमकाया, ज्यादा कुछ मत बोलो नहीं तो तुमको भी गधे पे बैठा दूंगा। यह सुनकर पंडित को बहुत गुस्सा आया। उसने तुरंत जाकर मसुआ के पति से मोगली की शिकायत कर दी। जंगल से भागे मोगली को इस परिवार ने अपने साथ रखा हुआ था। मोगली को हुक्म सुना दिया गया कि कल से तुम भैंसे चराने जाओगे। यह सुनकर सबसे ज्यादा खुशी पंडित या किसी और को नहीं हुई बल्कि ये खुशी मोगली को हुई। अब यह इस जिम्मेदारी की वजह से मोगली पूरे गांव का सेवक बन गया था। उसी रात मोगली चौपाल पर पहुंच गया। तो देखा दोस्तों, हमको हिंदी पढ़ते समय किन किन बातों की को ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड और इसको सब्सक्राइब कीजिए।